बाजी एवं फूल मालाओं से अरुण वोरा का स्वागत सम्मान किया और उन्हें बधाई दी। इसी कड़ी में ग्रैंड एशियन न्यूज ने भी उनसे खास चर्चा की। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज और हम बात करेंगे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अरुण वोरा जी, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार भी भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी चुना है। हम बात करना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं इस प्रत्याशी के रूप में आपको जो कांग्रेस ने चुनी, क्या कहना चाहेंगे कि शहर में इस बार भी आप जनता के बीच भरोसे के रूप में उतरेंगे। जी, भरोसा है तभी उम्मीदवार बनाया गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मतदाताओं के आशीर्वाद से ही हमको सेवा करने का अवसर मिलता है। पार्टी हमारे पर विश्वास करती है क्योंकि हम पार्टी के रीति नीतियों के अनुसार चलकर लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे फिर से सेवा करने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो विश्वास हमारी पार्टी ने हम पर किया है, हमारे मतदाताओं ने आज तक हम पर किया है, उस विश्वास के साथ कभी भी अविश्वास नहीं होने दूंगा और जीवन पर्यंत। देखिए, हमारे बाबूजी इस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे, मोतीलाल वोरा जी, लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है और सभी पदों पर वो पहुँचे हैं। पदों पर कैसे पहुँचे हैं, मेहनत परिश्रम कर्म उन्होंने किया, लेकिन दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उनके ऊपर अटूट विश्वास व्यक्त किया। उस विश्वास के आधार पर वो इतने सारे पदों पर पहुँचे और उन्होंने इस बात को कहा कि जनप्रतिनिधि जो होता है, सेवक जो होता है, उसको जन भावनाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए और जो जन संभावना का सम्मान नहीं करता वो प्रतिनिधि नहीं कहलाता है। तो मैंने अपने पिताश्री की बातों को एक महामंत्र के रूप में लिया है और मैंने भी इस बात का निश्चय किया है, जैसे जीवन पर्यंत बाबूजी कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहे, दुर्गवासियों की सेवा करते रहे और विभिन्न पदों पर रहकर प्रदेश और देश की सेवा उन्होंने की है, गांधी परिवार के बहुत निकट रहे हैं, गांधी परिवार ने उन पर बहुत भरोसा किया, बहुत विश्वास किया और उस विश्वास की कसौटी पर उन्होंने हमेशा खरे हुए उतरे हैं। कांग्रेस के वे मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से वे मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश में जाकर वो दुर्ग का एक सेवक, उत्तर प्रदेश में जाकर उन्होंने पार्टी की जो सेवा की, राज्यपाल के रूप में प्रेसिडेंट रूप में उन्होंने काम किया और कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने काम किया, कोषाध्यक्ष, इतनी बड़ी पार्टी के कोषाध्यक्ष 18 साल तक रहे वो, और 18 साल तक रहकर उन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया है, तो गांधी परिवार के प्रति उनका विश्वास था और गांधी परिवार ने भी उनके ऊपर भरपूर विश्वास व्यक्त किया और आज उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने अभी पूरे 90 विधानसभा सीटों बांटी है और 75 से भी अधिक लाने का दावा करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इनकी स्थिति बनेगी कांग्रेस में? कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी क्योंकि लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया? 5 साल उनको जब उनके पास था, उनको कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल जी ने एक भी ऐसा अवसर नहीं दिया कि वो धरना प्रदर्शन कर सके, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। अरे भाई, हम ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि आप धरना प्रदर्शन करने का हम मौका दें। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 75 पार होगी, फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जिस तरीके से विकास की अविरल धारा बह रही थी इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र की बात इसलिए करता हूँ कि भाजपा शासनकाल में हमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। हम जब भी राशि के लिए जाते थे केवल योजनाएँ दिखा दी जाती थी, वो धरातल पर दिखती नहीं थी, कागजों पर दिखती थी। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, भूपेश बघेल जी से, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, अब आपकी सरकार आ गई है, कांग्रेस पार्टी सबकी सरकार है और आप जितनी भी धनराशि मांगेंगे उनको आपको दी जाएगी। तो मुझे उन्होंने, जब भी मैंने मांगा तो दुर्ग के लिए उन्होंने धनराशि देने में कमी नहीं की। लगभग 600 करोड़ के काम यहाँ पर हुए हैं और वो काम गिनाने की जरूरत नहीं है, वो काम दिखलाई दे रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो उसके अपेक्षा आप कितना संघर्ष इस चुनाव में
करना मानते हैं? देखिए, संघर्ष क्या करना है, हम तो जिस दिन से निर्वाचित होते हैं उसी दिन से हम लोग अपने क्षेत्र में लग जाते हैं काम करने में। हमको इस बात का भान नहीं रहता है कि हमको सिर्फ यही भान रहता है कि हमको लोगों की सेवा करना है। और हम लोग रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ परिश्रम करते हैं, हम सेवक हैं, हमारा काम रोज़ सेवा करना है। कोई जब पार्टी टिकट देगी तभी हम सेवा थोड़ी करते हैं, मतदाता भी समझते हैं कि पार्टी हमको टिकट देती है सेवा करने के लिए, और उस सेवा पर हमको खरा उतरना चाहिए। और हम अपने पार्टी की भावनाओं के अनुरूप, कांग्रेस पार्टी तो सेवा भावी पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। सद्भावना, भाईचारा, एकता, आत्मीयता और विकास कांग्रेस के उद्देश्य रहे हैं और लोग इसको अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। देश की आज़ादी में आप बताइए जो योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है वो किसी अन्य पार्टी का रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास है, 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, उससे भी ज़्यादा समय बीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी को बने कितने साल हो गए? मुश्किल से 35 साल 40 साल, ये भारतीय जनता पार्टी को, बाकी पार्टी का तो आप इतिहास ही नहीं जान पाएंगे। तो ये 35-40 का इतिहास और 140 साल का इतिहास, बहुत फर्क है। विधायक प्रत्याशी के रूप में माननीय अरुण वोरा जी को अपना अवसर मिला है जनता के बीच जाने का, अब देखना है कि आने वाले समय में ये जनता इनको किस तरह से अपना आशीर्वाद देती है। दुर्ग से मैं नसीम फारूकी।